पास ना मल्टीप्लीकेशन एडिशन लॉ है, रियल नंबर्स की थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन एडिशन लॉ। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है देखते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और सेकेंड वन है ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है। और इनका एक स्पेसिफिक नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा ना मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन रियल नंबर्स की और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें है ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टीज, और सेकंड वन है कंप्लीटनेस एक्सियम्स। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे, कंप्लीटनेस एक्सियम्स जो हैं ये हायर लेवल पे आप जाके ज़रूर स्टडी करोगे अगर इन फ्यूचर आप में से कोई मैथ्स पढ़ता है। ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़, इक्वालिटी और इनइक्वालिटीज़ को तो आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इनइक्वालिटीज़ का तो एक प्रॉपर शायद चैप्टर भी था 6, 7, 8 क्लास में। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इक्वालिटी का साइन, ओके। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए इज इक्वल टू ए। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन से वर्ड, ठीक है, रिफ्लेक्शन अक्स, ए इज इक्वल टू ए, ऑब्वियसली बात है एक वर्ड जो है वो खुद के इक्वल तो ज़रूर होगा ना। एक वर्ड ले लो, एक नंबर ले लो, आप खुद अपने इक्वल तो है ना, तो ए इज इक्वल टू ए, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है सिमिट्री प्रॉपर्टी। सिमिट्री प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए। सिमिट्री मीन एक जैसा होना, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कोई दो नंबर हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और कंडीशन क्या लिखी है कि ए इक्वल है बी के। अगर कभी ऐसा हो कि ए इक्वल है बी के, तो ऑब्वियस सी बात है बी भी इक्वल होगा ए के। अब वैसे तो रियल नंबर्स में से ऐसे कोई भी नंबर मतलब हमारे पास नहीं आएंगे कि हम कहेंगे ए इक्वल है बी के तो बी भी इक्वल है ए के।
लेकिन जिस तरह हम कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेते हैं या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेते हैं, तो बात तो एक ही है ना, या तो लेफ्ट ए इक्वल हो गया बी के, बी इक्वल हो गया ए के, बात तो एक ही है, तो इसको कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की हमारे पास डेफिनेशन है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू सी। ठीक है, कभी ऐसा एग्जिस्ट करे ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, हमारे पास ये दोनों कंडीशंस हों तो हम क्या इम्प्लाई करेंगे कि ए इक्वल है सी के, और ये हमारे पास होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, अगर कोई दो नंबर इक्वल हैं, ठीक है, और हम उनमें एक सा एडिशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एडिशन के बाद भी वो दोनों नंबर जो हैं वो इक्वल ही रहेंगे। लेट्स सपोज 5 इक्वल टू 5, ठीक है, और सी कोई नंबर है 7, ये ए है, ये बी है, ये सी है 7, तो हम इसको ऐड करेंगे तो 5 प्लस 7 इक्वल टू 5 प्लस 7। ठीक है, तो ये इस तरह से, और ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब जहाँ पे एडिशन है वहीं पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जिस तरह से एडिशन की बात की है हमने, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स इफ ए इक्वल टू बी, देन मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी क्या इम्प्लाई करती है, इम्प्लाइज दैट ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। इसकी भी हम एग्जांपल इसी तरह से लेंगे कि अगर 5 इक्वल टू 5 है और उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 35 इक्वल टू 35 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैंने एडिशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, इस ये तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी ना रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, अब इक्वालिटी की बात कर रहे थे हम लोग, तो इक्वालिटी में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि यहाँ पे सी सी से कैंसिल हो जाएगा ए, और ये ए इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन।
कैंसलेशन प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन जिस तरह हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए लिखी है, उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन के लिए कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी वेयर सी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मल्टीप्लीकेशन में ये कंडीशन है कि सी इक्वल इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हमने मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स लिखते वक्त कहा था कि जो है कभी भी वो नंबर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के लिए कंडीशन है कि सी जो है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़, और आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ हम कल पढ़ेंगे। आप अपना ख्याल रखें, कोविड 19 जिस तरह से फैल रहा है, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज़।